है गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको RGB वेल्केनो माउसपैड जो है उसका अनबॉक्सिंग कर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो डबल XL है, जिसका साइज़ है 900mm टू 300mm और ये 4mm थिक है। और इसमें आपको जो है वो RGB लाइट मिलता है और यहाँ पे आपको 7 कलर इसमें आपको सपोर्ट मिलता है और 14 काइंड ऑफ जो है वो आपको LED इफेक्ट मिल जाता है। और ये जो ब्रांड है वो कॉस्मिक बाइट का आपको मिलता है। सो गाइज, ये जो माउस पैड है इसको मैंने जो है अमेजन से ख़रीदा है, कुछ 900 रुपीज़ में मुझे ये जो है वो मिला है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको चेकआउट वगैरह कर सकते हैं अगर आपको ये परचेस करना हो तो। सो गाइज, इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बॉक्स में आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपको सीधे आप जो है अपने माउस पैड को जो है एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक जो है वायर देखने को मिलता है और बाकी जो है वो बॉक्स में आपको कुछ नहीं मिलता है। बस यही दो आपको जो है वो प्रोडक्ट आपको इस बॉक्स में मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये वायर जो है वो इस माउस पैड में लगेगा, जिससे जो है वो RGB लाइट जो है वो ऑन होगा। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले इस माउस पैड के बारे में बता दूँ मैं, तो साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे पीछे में जो है आपको एक रबराइज जो है वो आपको बैक मिलता है, जिससे अगर आप कोई भी स्लिपी एरिया पे या स्लिपी सरफेस पे इसको आप रखते हैं तो ये रबर जो है वो इसको काफ़ी अच्छा जो है वो ग्रिप देगा। और इस ग्रिप के थ्रू ये जो है वो अगर आप माउस पे ग्लाइड वगैरह करते हैं गेमिंग के टाइम पे, तो ये जो माउस पैड है वो बिल्कुल भी जो है वो मूव नहीं करेगा। और माउस पैड जो है थोड़ा हेवी भी है, तो उससे भी जो है काफ़ी अच्छा जो है वो रहने वाला है। और ये माउस पैड जो है ये एक जो है वो कंट्रोल टाइप नहीं है, स्पीड टाइप माउस पैड है। कंट्रोल टाइप में जो है वो थोड़ा अलग जो है वो फिनिश आता है ऊपर के साइड, बट ये जो है वो एक स्पीड टाइप माउस पैड है। तो ये माउस पैड का क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है और ये इसका स्टिचिंग वगैरह आप देख सकते हैं, स्टिचिंग भी काफ़ी प्रीमियम टाइप का किया गया है। और ये साइड में जो है LED दिए गए हैं पूरे माउस पैड में, ये जो है वो लगाया गया है और इसको स्टिच किया गया है इस तरह से आप देख सकते हैं, ताकि ये जो है वो इसके साथ लगा रहे। तो काफ़ी अच्छे से स्टिचिंग वगैरह किया गया, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है और बहुत ही प्रीमियम जो है वो ये दिया गया है। और यहाँ पे जो है कॉस्मिक बाइट का ब्रांडिंग किया गया है, स्विच टू गॉड मोड। और यहाँ पे आपको जो है कंट्रोलर दिया गया है, जिसको पावर करने के लिए ये केबल आपको इसके बॉक्स के साथ दिया जाएगा। और इस पोर्ट को जो है आप अपने PC में लगा सकते हैं, और PC में अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप कोई चार्जर वगैरह में भी लगा सकते हैं। कोई भी PC में कनेक्ट करने का कोई ऐसा इशू नहीं है, या ऐसा नहीं है कि PC में कनेक्ट करने के बाद आप इसको जो है वो PC से कंट्रोल कर पाएँ, तो वो फंक्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बटन दिया गया है जिससे आप इसके जो है वो मोड को चेंज वगैरह कर सकते हैं, लाइट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो गाइज़, ये माउस पैड जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। अब मैं आपको इसको कनेक्ट कर दिखाता हूँ और इसका साइज़ मैं दिखाता हूँ कि कितना बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले जो मेरा माउस पैड था वो इस तरह का जो है वो रेड गियर का जो मेरा माउस पैड है, जो काफ़ी बड़ा है ये भी, लेकिन इससे भी बड़ा जो ये कॉस्मिक बाइट का ये माउस पैड है। तो इसको मैं लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कितना बड़ा साइज़ है इसका। तो गाइस, देख सकते हैं इस माउस पैड का जो साइज़ है वो कितना बड़ा है। तो काफ़ी बड़ा जो है ये माउस पैड दिया गया है, जो XL साइज़ जो आता है रेड गियर का, उससे भी बड़ा जो है वो ये कॉस्मिक बाइट का ये माउस पैड आपको मिलता है, जो RGB के साथ आता है। और इस RGB को जो मैं ऑन कर दिखाता हूँ कि वो किस तरह से आपको दिखेगा। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये माउस पैड जो है वो काफ़ी बेहतरीन दिखने में लग रहा है। और यहाँ पे इसका जो लाइट है वो इस तरह से जो ऑन रहेगा, और इस लाइट में जो आपको काफ़ी अच्छा जो इफेक्ट वगैरह देखने को मिल रहा है, और लुक जो है वो बहुत ही बेहतरीन आ रहा है इस माउस पैड में। और अगर आपको इसका लाइटिंग जो है वो चेंज करना है, तो इस बटन को आपको प्रेस करना होगा। ये देख सकते हैं, ये ब्रीदिंग मोड पे चला गया और ये जो है वो कलर अपने आप जो है वो चेंज करेगा, एक सॉलिड कलर पे जो आ गया है। और यहाँ पे इसको एक बार और प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो लाइट मोड जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अब ऑफ हो चुका है और ये देखिए ब्रीदिंग मोड पर ये आ चुका है रेड कलर का, या कभी ब्लू कभी रेड, ऐसे जो है वो ये चेंज होता रहेगा। और आप सॉलिड कलर पर भी जा सकते हैं, ये देखिए ब्लू, ग्रीन, पिंक, इस तरह से जो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने थीम के हिसाब से। जो भी आपको थीम रखना हो उस तरह से आप जो है इसको रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अभी रेड कलर पे रखूँगा। सो गाइज, ये जो माउस पैड है इसमें अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये माउस जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्लाइड वगैरह करता है। और अगर आप कोई शॉट वगैरह लेना चाहते हैं या फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो, उस पर्पस के लिए जो है वो ये माउस पैड बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही स्मूथ जो है इसका टच एंड फील है। आपको कोई भी जो है वो इशू नहीं लगने वाला है। और ये जो है वो बिल्कुल भी जो है वो स्लाइड नहीं करता है, काफ़ी ग्रिप जो है वो इसमें मिल जाता है। पीछे के साइड जो है आपको एक रबराइज फिनिश वगैरह मिलता है, तो उसके कारण जो है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है।
सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपका ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।